गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले की 11 वीडियोस में मैंने आपको 11 पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बुक्स रिकमेंड किए थे। सबसे पहला बुक रिकमेंड किया था रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। सेकंड बुक रिकमेंड किया था आपको मैंने प्रिंसिपल्स बाय रे डैलियो। थर्ड बुक रिकमेंड किया था सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स बाय विलियम स्टोन। फोर्थ बुक रिकमेंड किया था अनलॉक इट बाय डेन लॉक। फिफ्थ बुक रिकमेंड किया था पुअर चार्ली अलमैक बाय चार्ली मुंगर। सिक्स बुक रिकमेंड किया था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज कार्लसन। सेवेंथ बुक रिकमेंड किया था लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन बुगल। एथ बुक रिकमेंड किया था आपको मैंने हाउ टू गेट रिच बाय जे पॉल गेट्टी। नाइन्थ बुक रिकमेंड किया था लाते फैक्टर बाय डेविड बैक एंड जॉन डेविड मैन। उसके बाद मैंने टेंथ बुक रिकमेंड किया था आपको रिच डैड पुअर डैड का सेकेंड पार्ट विच इज़ नोन एज कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इलेवेंथ बुक रिकमेंड किया था द 4 आवर वीक बुक बाय टिम फेरिस। और आज मैं आपको 12th बुक रिकमेंड करूँगा विच इज़ नोन एज आई विल टीच यू टू गेट रिच बाय रमित सेट्टी। ये बुक जो एग्जैक्टली आपको समझाता है कैसे आपके मंथली बजट आपको फिक्स करने हैं, कैसे मंथली बजट आपको मैनेज करने हैं, और कैसे अगर आपके जितने अलग 3 से 4 लाइबिलिटीज़ है आपके ऊपर, वेदर इट इज़ होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सब लोन्स के लिए अलग अलग सेविंग्स अकाउंट आपको खोलने और मंथली उसका जो अमाउंट है वो अलग अलग सेविंग्स अकाउंट में पहले डिपॉजिट करना है और उसके बाद अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करना है। तो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अपने डेप्थ एक्सपेंसेस और अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को कैसे एग्जैक्टली मैनेज करना है और उसमें से कैसे आपको डेब्ट फ्री बनना है ऑन वेरी फास्ट पेस, ये एग्जैक्टली आपको ये बुक बताता है। तो एग्जैक्टली मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको मंथली बजट सीखना है तो ये बुक को ज़रूर पढ़िए। इसका जो डिटेल वीडियो है कुछ ही दिनों में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में और एक ऐसा बुक रिकमेंड करूँगा रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू।